Hello and welcome back to my channel once again. This is Gaurav Kumar. You are watching Eco Life. So friends, today I'm going to break this parrot filter. ये जो मेरे हैंड में आप देख सकते हैं parrot filter है, ये damage हो चुका है और आज हम इस parrot filter को break करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है. तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो एक्वेरियम हॉबिस्ट है, जो एक्वेरियम लवर है, जो फिश लवर है, जिसको फिश रखना पसंद है, उससे जरूर शेयर कीजिएगा. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप बच्चे हो तो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, इससे नहीं तो आपको चोट भी लग सकता है. ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करके आपको पूरा दिखाऊंगा. आपको ब्रेक करने कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे वीडियो देखें और वीडियो को मज़े लीजिए. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मेरा पावर हेड फिल्टर है और ये पावर हेड फिल्टर डैमेज हो चुका है. सो फिलहाल मैं इसको अभी मैं इसको ब्रेक करने वाला हूँ. आप ये देख सकते हैं, ये किसी तरह का सीमेंटेड टाइप का, एक प्लास्टिक टाइप का बोल सकते हैं, एक हार्ड सील किया हुआ है. इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, कॉइल होगा, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. लेकिन एज ए मैंने क्यूरियोसिटी के लिए हम लोग इसको ब्रेक करने वाले और देखने वाले कि आखिर होता क्या है इसके अंदर. ठीक है, तो आप क्या करें, जितने भी इसके यूजुअल पार्ट्स हैं ना, आप इसे रख लें, क्योंकि आप ऑब्वियसली एक एक्वेरियम हॉबिस्ट है तो आपके पास बहुत सारे पावर फिल्टर है. जो किसी के बॉडी कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा तो आप उसको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं. तो मैं आपको ये बोलूँगा, जितने भी रिमूव हो रहे पार्ट, जितने भी यूजुअल पार्ट, उसको आप रख लें. मैं ऑलरेडी सारे पार्ट निकाल चुका हूँ, निकाल के मैंने सारे अलग कर दिया और मैं सिर्फ मोटर को, जो होता है हेड, उसको मैं ब्रेक करने वाला हूँ. और ब्रेक करने हेड को ब्रेक करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक छेनी टाइप का होता है जो स्क्रू ड्राइवर होता है, मैंने उसको जिसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ. आप घर का यूज़ मत कर लेना छेनी स्क्रू ड्राइवर, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे और आप घर से पिटाई खा जाइएगा. सो एक नॉर्मल किसी भी तरह का एक रॉड ले लें, रॉड से जिसका धार हो नीचे में, और उससे पिटाई कर करके थोड़े से इसे तोड़ ले, क्योंकि इसे आप नॉर्मल हैंड से अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं निकलेगा, बहुत ही हार्ड होता है. सो मैं इसे ब्रेक कर कर, जैसे कि देख सकते हैं, मैं ब्रेक कर करके इसको हाँ थोड़े से मार मार के निकालूंगा, और निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर होता क्या है. तो चलिए मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अगर पूरे वीडियो को दिखाऊंगा तो थोड़ा वीडियो बोरिंग हो जाएगा. चलिए तो वीडियो को मजा लीजिए और मेरे थोड़ा सा फास्ट करता हूँ. सो अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, और अगर आपको करना ही है तो आप किसी बड़े की जरूर हेल्प लें, नहीं तो आपको चोट भी लग सकता है. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा, जैसे कि मैं जो आयरन यूज़ कर रहा हूँ, लोहा रॉड जो यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा शार्प होता है, तो अगर आप थोड़े से अपने कहीं हाथ पर ना मार ले तो अगर आप बड़े तभी यूज़ करें, बच्चे प्लीज़ इसे ट्राई ना करें. ठीक है, we'll be right back.
सो फ्रेंड्स, फाइनली ये आधे घंटे बाद टूट चुका है। इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत ही टफ था, बहुत ही हार्ड था। ये देखने में लग रहा था कि इतना बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन इसे जब ब्रेक करा तो ये टूट नहीं रहा था, रबर टाइप में था इसका प्लास्टिक, ठीक है। सो फाइनली जो आप देख सकते हैं मेरे हैंड में जो ये कॉयल है, और इस कॉयल में बहुत सारा कॉपर वायर का वाइंडिंग था, ठीक है। सो ये कॉपर वायर का वाइंडिंग डिसाइड करता है कि आपके पावर मोटर जो होते हैं कितने पावरफुल होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं, यही कॉइल का जितना वाइंडिंग रहेगा उतना ज़्यादा आपका मोटर का स्पीड ज़्यादा रहेगा, और पावर उतना वाट ज़्यादा उतना वाट का होता है, राइट। सो आप जैसा कि देख सकते हैं, इसे मैं ब्रेक करके मैं कॉपर वायर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कॉपर वायर निकला नहीं लास्ट में फाइनली। सो मैं इसी यहीं पर मैं इसे छोड़ दिया हूँ। सो ये वीडियो मैं बनाया था ताकि आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे सकूं कि इसके अंदर होता क्या है। तो मैं तो ऑलरेडी पहले से जानता था कि इसके अंदर कॉपर होने वाला है कॉयल। सो वही कॉयल को मैं ब्रेक कर करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे पूरे अच्छे तरीके से जब तक ब्रेक नहीं कर दिया, तो कि पूरे अच्छे तरीके से सारे प्लास्टिक निकाल दिया हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आप अपने किसी भी बड़े के हेल्प ज़रूर लें। अगर बच्चे ट्राई कर रहे हैं इसे तो ज़रूर बड़े के हेल्प लें, लेकिन खुद से ना करें। तो देख सकते हैं ये पूरे तरीके से कॉपर ही निकल गया, और ये थोड़ा आयरन का जो लोहा का प्लेट रहता है, शीट रहता है, जो ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं जैसा रहता है वैसा ही टाइप का कुछ बना हुआ है, ठीक है। और ये आपके पूरे देख सकते हैं कि ये पूरे कॉपर कॉयल है, बहुत सारा वाइंडिंग, मैं पतला पतला तार के कॉपर वायर नहीं। बस तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।